अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज का सीन ऐसा है भाई, आपका सुबह जल्दी उठा हुआ था, ठीक है, मतलब कोई कह रहे को सोया ही नहीं है, दो तीन घंटे सोया। तो सुबह का वेदर बड़ा मज़े का था, बट उसके बाद बहुत गर्मी होगी, ठीक है। और भैया आपके ने तथा आज बाइक अपने एक्सीडेंट कर दिया, ठीक है, और उसको हमने रॉकेट बना के चक्करों में रॉकेट ही बना दिया, ठीक है। बड़ा घर को हो गया बेचारे का, बट कोई बात नहीं, उसको रिपेयर करवा लेंगे, काम 25 कर लेंगे ज़्यादा, मतलब भैया आपको बच गया, ठीक है, लेकिन बाइक नहीं बचा बेचारा। बाइक का जो है ना कबाड़ा निकल गया, तो कोई बात नहीं, अब निकल गया तो निकल गया, क्या कर सकते। तो बाहर कोई गेस्ट आ गए थे, तो सीनियर था, मैं आपको ये बता रहा था कि फिर एक दो दिन में बाइक रिपेयर कराएंगे, तो फिर आपको मैं साथ व्लॉग में दिखाऊंगा, ठीक है, क्या कबाड़ा निकला उसका। अदरवाइज अगर भी नीचे गया ना, तो फिर मैं दिखाता हूँ, जब बाइक जाऊँगा ना, मतलब फिर दिखा दूँगा कि बाइक एक्चुअल में मैंने क्या पंगा किया, ठीक है। बाकी मैंने उसको साफ़ करने की कोशिश की, मतलब वो मतलब रगड़े शगड़े जो लगी थी उसके ऊपर, क्योंकि वो प्लास्टिक बॉडी है, तो उस पर वाजिया नज़र आता है कि काम हो गया भाई। तो फिर मैंने कोशिश की उसको साफ सूफ करके कि चलो काम 25 रहे, बट वो काम 25 नहीं, 26, 27, 28 हो गया। बट कोई बात नहीं, उसको हम सेट करवा लेंगे, इतना मोटा खर्चा नहीं है, बट खर्चा तो है जो भी है, तो कोई बात नहीं, उसको रिपेयर करा लेंगे, नो वरीज, ठीक है। और ये है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, और जल्दी उठने का ये फ़ायदा हुआ कि मैंने बहुत से अपने काम कम्प्लीट कर लिया, तो जो पेंडिंग जा रहे थे, ठीक है। तो अभी चलते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं, एक दो और भी काम है घर के, वो भी डन करते हैं, उसके बाद जाएंगे दोस्तों से मिलेंगे लेंगे, और देखते हैं आज कहाँ घूमते फिरते हैं। तो क्या हाल चला, ठीक हो, सेहत भी ठीक है? और ये जट साहब है, जट साहब सुनाओ कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस आप सुनाए, आप कैसी हैं, कमेंट्स में बताएं। आप कैसे हैं जिशान साहब, आप क्या कह रहे थे, क्या पूछ रहे थे, क्या हुआ भाई? क्या हुआ ये, आज मेरा ताज़ा एक्सीडेंट हुआ, ये खरोंचो ये, बस थोड़ा सा मैंने जरा ना इसका बड़ा कर दिया, ये हुआ मेरा एक्सीडेंट, ठीक है। सुबह भाई आपका बच गया, बाइक आपका बढ़ गया, बाइक का बट इट्स ओके, नो वरीज, मैं इसको जो है ना सीधा सुबह सही करा लेंगे, टेंशन नहीं लेनी, वो भी आपको दिखाएंगे, बहुत अमीर है जट साहब, टेंशन नहीं लेनी, बहुत नो टेंशन। हां ये जो भाई साहब, तो टेंशन ही नहीं है, चाचू जान अपने जिंदाबाद ऑलराउंडर। तो गाइस आप भी सोचते होंगे कि हम रोजाना डेली आके इधर ही बैठ जाते हैं, इसकी रीजन ये है कि अपना डेरा ही है, क्यों जट साहब? डेरा वेले आदा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, गुप्ता नगर इसलिए आके हम यहां आ गए, शाह साहब कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, इन्होंने कनाशनात भी लगाई हुई है, काम 25 किया हुआ, वो देखेंगे, बड़ा प्यारा अलग बोर्ड में दिखाया है जी, कंस्ट्रक्शन का बिल्कुल बिल्कुल दिखा दिया किसान साहब, इस पर कितनी लागत आ रही है? बस कभी हिसाब नहीं किया, शो के लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, वाह क्या साहब, आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? सरिया मेरे ख़िलाफ़ ही फ्राम कर रहे हैं इनको। नहीं भाई, ऐसे गंदे काम नहीं, नहीं आपने फिर जो दारी है, बहुत बड़ी दारी है, उधार लग उधार एक जंग है, इसलिए बंद है, उधार मिलेगा 70 साल के बाबे को, वो भी उनके माँ बाप से पूछ के, वो भी उनके माँ बाप से। जान साहब इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? बस कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, भाई को मैंने एडवांस पेमेंट की है, जान साहब ऐसे ही एडवांस पेमेंट मिली हुई है। अच्छा, यानी कि आप इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो बड़ी बड़ी हंसियाँ आई हुई हैं। ओके ओके, ये भाई आप सॉन्ग गा रहे हो कि चीखे मार रहे हो? अली भाई रोना नहीं है अभी तक, मुझे भी नहीं पता, मेरे पास रोने का मूड नहीं है यार आज, नहीं वो इस बारे में क्या कहना चाहते हो सॉन्ग के बारे में? शीशा टूट गया यार, मैं सच कह रहा हूं, रिव्यू तो आपने चेक कर ही लिया, शांति आप इस बारे में क्या कहोगे? बस क्या कह सकते हैं, इतनी पूंजी शख्सियत है, चाहत फतेह अली खान पार्ट 2 आ चुके हैं, ये प्लाजा निकल गया, चेक कर रहे हैं, ये भाई प्लाजा निकल गया, ये भी प्लाजा निकल गया, ये जो आप प्लाजा देख रहे हैं, ये जो प्लाजा देख रहे हैं, यहां पे शीशे थे, अच्छा ये मेरे गाना गाने से ये पिघल गए हैं, ओ माय गॉड, ये मतलब प्यार के अंदर डूब गए हैं मेरी आवाज के, क्यों आदिल ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है प्रांत। तो भाई साहब सीन ऐसे हैं, अपने आला जरा से हमने पता करवाया, सरदार साहब आ गए हैं और उन्होंने कॉल नहीं किए अभी तक, चलो मिलते हैं जाके उनकी, तो थोड़ी सी क्लास लेते हैं पहले, बट सुने बेचारा बीमार हुआ है, अल्लाह पाक उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शिफा दे, आमीन। और जट साहब आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? अल्लाह उसकी क्लास होनी चाहिए, हाँ क्लास होनी चाहिए उसकी, क्योंकि इतने ठंडे ठंडे मौसम से हो गया है, ये तो होगा भाई, ऐसा तो ये तो चलेगा। ये जी पिंडी की बड़ी फेमस तहजीब बेकर, इसका पिज़्ज़ा बेस्ट फॉर एवर रेस्टोरेंट, खिला दो ये सब फ्यूटो स्कोप कैसे में, खिला दो, बाय बाय, पिज़्ज़ा खिला दो, खाते हैं बारबेक्यू फ्लेवर वाला, आदिल भाई पिज़्ज़ा खिला दो, मौत आ गई है आदिल का, दिल को हाथ लगा के देखो, एकदम इसके दिल पे हाथ लगा के देखो यार, यार कोई नहीं छोड़ता, बहुत अच्छा आदमी, आखिरी ये आ गई है जी अल बे, आखिरी आखिरी सांसों पे आ गई, ईच एंड एवरीथिंग गई, गफले वाले भी यार, गफले आइसक्रीम फेमस नहीं है अभी, मुझे जाने का मन नहीं है अभी, न्यू ओपनिंग हुई है, ये बड़ी अच्छी बेकरी है, इनकी आइटम्स मैंने सुना है बड़ी। ये जी भाई साहब आ गए हैं, 10 घंटे से वेट करा कर आगे मैं आ रहा हूँ कैसे, ये वाक्य क्या हुआ? वाक्य कुछ नहीं हुआ, पहले तो बात है मैंने कोई क्रिकेट के बारे का खेला है, अच्छा तो गैदरिंग की है, जवानी का जोश चढ़ गया था, फिर उसके बाद टांगे पाँव में रेल नहीं रही थी, दूसरे दिन चला गया पानी लेने के लिए, अच्छा तो थोड़ी मुसाफत है, ऐसी 5 मिनट का सफर था, मैंने पानी ऐसे 2 बोतलें भरी, लेकिन 20-20 लीटर वाली थी, अच्छा वो थोड़ा सांस छोड़ के भी ले गया, लेकिन मैंने खाता उसकी वजह से हुआ क्या हुआ,
सुबह सो के उठा तो ये बस हिला ही नहीं जा रहा, सांस का कोई इसका इस वजह प्रॉब्लम आ रहा, तो इसकी वजह से ये बस ऐसे हो रहा तभी 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 क्या फरमाया था बस यही फरमा रहा था कि बस उसके बाद पानी लाया। अच्छा पता नहीं वो 20-20 लीटर वाले कैन थे वो दोनों मैंने उठाए। अच्छा वो घर छोड़े रात को ठीक था, सुबह उठा देखा सुबह उठा बोगिया फेल हो गया, सुबह उठ के हिल ही नहीं रहा था बंदा। जैसे मैं ये तो आपने मेडिसिन सेडिसिन लिया कि नहीं लिया? मेडिसिन वैसे तो वक्त एक लिया है, तो फिर अभी सोच रहा हूँ कोई इंजेक्शन वगैरह कहीं लगा क्या हो लगा लेते हैं। आपके पास आया था मैं, नहीं कोई मसला नहीं। तो गाइस सीन ऐसा है कि भैया को वापस आ गया तो सरदार जी से भी मिल लिया। सरदार जी ने तो बताया नहीं था बट हमें पता चल गया अपने आला सोर्सेज से कि सरदार जी वापस आ गए। बाकी ये है कि सरदार जी को दवाई शवाई लेके दे दी, अब वो इंशाल्लाह आज उसको खाएं पिएंगे और सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह कल तक उम्मीद है। बाकी उनके लिए दुआ कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज़ लाइक अवर वीडियो, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन प्लीज़। थैंक यू।